आपने सुना ही होगा, बिलीव इन फेट लीड्स टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। इसी वाक्य पे एक कहानी आधारित है। कहते हैं कि एक बार तीन मछलियां एक तालाब में रहा करती थी। उनमें से दो मछलियां तो बहुत ही मेहनती थी, मेहनत पे भरोसा करती थी, लेकिन जो तीसरी मछली थी वो बहुत ही आलसी थी और वो भाग्य पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, वो फेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। तो एक बार की बात है कि कुछ मछुआरे उस तालाब से गुजर रहे थे, तो उनकी दृष्टि इस तालाब पे पड़ी जहाँ पे तीन मछलियाँ रहते थे। तो इस तालाब में मछलियों की जो मात्रा थी बहुत ही प्रचुर मात्रा में थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अगली सुबह आएंगे और यहाँ पे इसे मछली पकड़ के ले जाएंगे। तो जो मेहनती करने वाले मछलियाँ थी उन्होंने सुन लिया, तो वे आई और उन्होंने तीसरी मछली को बताया कि कल तो मछुआरे आने वाले हैं और यहाँ से मछली पकड़ के ले जाएंगे। तो अब होता यह है कि जो तीसरी मछली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई हमें पकड़ के नहीं ले जा रहा है, आज तक कोई यहाँ आया नहीं तो कोई हमें पकड़ के भी नहीं ले जाएगा। तो जो मेहनती करने वाली मछलियाँ थी वो दोनों ने डिसाइड किया, हम तो चले जाते हैं, हम अपनी जान बचाते हैं। तो अगली जैसे सुबह हुई तो मछुआरे आए, उन्होंने अपना जाल फेंका और जिन मछलियों ने डिसाइड किया था कि वो उस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे तो वो उस जाल में फंस गए। अब जो दो ये मछलियां थी वो बच गई और तब जो तीसरी मछली थी उससे पछता हुआ कि काश मैंने इनकी बात को सुन लिया होता, काश मैंने एक्शन ले लिया होता तो आज ये नहीं होता। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती कि हम में से कितने लोग आज भी हम बैठे हुए होंगे किस्मत के भरोसे, स्टिल वी आर थिंकिंग दैट आवर लक विल कम एंड विल डू। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी हमें ये बताती है कि जस्ट टेक एक्शन। हमें पता है उन मछलियों की तरह कि कल क्या होने वाला है, कल कुछ अनसर्टेन होने वाला है, तो क्यों ना हम आज प्रिपेयर रहें। कहते हैं ना, hope for the best and ready for the worst.